लेकिन देखिए, मेरे मन में एक सवाल है कि ऐसी शुभ घड़ी में भी जब इस तरह की बातें कही जाती हैं, तो इसके पीछे मंशा क्या हो सकती, क्या सोच हो सकती है अगर इस तरीके का नकारात्मक विचार किसी के मन में आ रहा है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं आज विपक्ष के लोग जो हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, सपा के हों, बसपा के हों, सब लोगों को पता है कि हमारा जो जनाधार है वो खिसक चुका है। तो हम किसी न किसी माध्यम से हिंदू मुस्लिम करके, हिंदू सनातन धर्म करके हम अपना जनाधार बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है भारतवर्ष। नहीं, नहीं, एक मिनट, एक मिनट, एक चीज इसमें जोड़ दूं, उस पर जवाब दीजिएगा। क्या जनाधार बना सकते हैं? अगर आप, आपकी बात में मान लूं कि सनातन विरोधी बातें करके वो जनाधार बनाना चाहते हैं, तो सभी को पता है कि इस देश में ज्यादा किससे मानने वाले लोग हैं, तो उससे कांग्रेस को हासिल क्या होगा? तो फिर तो अब कुल्हाड़ी मारने वाली बात है अपने पैर पर। बिल्कुल, उनको यही तो नहीं पता है कि हम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, लेकिन करना वही चाहते हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा स्टेटमेंट, ऐसे आसाम का एक मुस्लिम नेता था, उसने भी इसी तरह से कहा था कि 20 से 26 कोई भी ट्रेन में नहीं बैठेगा, कोई अयोध्या नहीं जाएगा, कोई यात्रा नहीं करेगा। ये लोग इसी तरह से यूडीएफ के नेता, जी जी हाँ, इस तरह से ये लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है भारतवर्ष की जनता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब लोग इस समय राममय हो गए हैं। आप अयोध्या देखिए, आप लोगों के हिंदू चैनल के माध्यम से हम लोग देखते हैं, मुस्लिम जय श्री राम करते हुए अयोध्या की यात्रा कर रहा है, सिख धर्म के लोग अयोध्या में आकर के लंगर चला रहे हैं, जय श्री राम का नारा कर रहे हैं, ईसाई धर्म के लोग, सभी धर्म के लोग आकर के अयोध्या में जय श्री राम का नारा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं अतिथियों का। पब्लिक में से किसी कुछ कहना हो तो अपना हाथ उठाइएगा, मैं आऊंगा। हाँ, क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं दो लाइन कहूंगा, एक राम भक्तों के लिए और एक लाइन राम विरोधियों के लिए। राम भक्तों के लिए सबसे पहले प्रस्तुत है हनुमानगढ़ी कनक भवन राम मंदिर अति सुंदर, राम मंदिर अति सुंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे तपस्वी छावनी के अंदर, हाँ तपस्वी छावनी के अंदर, सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मीठो मीठो प्यारो प्यारो सरजू जी को पानी लागे। और दूसरा, दूसरी लाइन जो है, एक मिनट, दूसरी लाइन राम विरोधियों के लिए है, जो कह रहे हैं कि मैं निमंत्रण मिला है नहीं जाऊंगा, उनको मैं कह रहा हूं आ जाओ, नहीं तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं उनको एक लाइन सुनाऊंगा, क्या कि ना राम नाम लीन हो, ना राम नाम लीन हो प्यारी सी जिंदगानी में, अरे तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय श्री राम। आखिरी आखिरी वक्तव्य, आखिरी वक्तव्य, जी बोलिए। देखिए, नरेंद्र मोदी हमारे विश्व के मित्र हो गए हैं, सारे संसार के कंट्री कह रही हैं नरेंद्र मोदी आज आवर फ्रेंड, नरेंद्र मोदी आवर फ्रेंड। तो विश्व का जो मित्र होता है, विश्व अस मित्र है या ससह विश्वामित्र है, तो विश्वामित्र के रूप में हमारे नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, और वो दिन छुट्टी लेके आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, छुट्टी लेके आ रहे हैं, और बस अस्ट या सर वशिष्ठ है, वशिष्ठ रूप में हमारे योगी जी हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं, आपके चैनल के माध्यम से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो रहा है केवल हनुमान जी की कृपा से, सिर्फ हनुमान जी की कृपा से। मुझे पता, मैं बताऊं, उदाहरण दे रहा हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। सियासी में जब ताला खुला तो छोटी छावनी से 65-66 संत महात्मा मजीरा बजाकर निकल रहे थे, हनुमान गढ़ी के पास जब पहुंचे तो 300 मंदिरों 300 बंदर हनुमान गढ़ी से निकल करके हम लोगों के हाथ से मजीरा लेकर के राम जन्मभूमि में पहले पहुंच गए थे, जिसका मैं प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूं। चलिए, इसके तो के आगे मानवर, जल्दी से जल्दी से, हाँ। जल्दी से बोल रहा हूँ, हाँ। और जब बम में, कुकर में बम रखा गया, मात्र 6 सेकंड बाकी था, तो बंदर ने उस कुकर को डिस्ट्रॉय करके युद्धक बचाया, और जब पांच पांच आतंकवादी आए तो प्रातःस्मरणीय वंदनीय पूज्यपाद हमारे डॉक्टर राम विलास वेदांति जब वहाँ पहुँचे, उन्होंने मुझसे कहा हनुमान गढ़ी पे जाइए, मैं हनुमान जी से कहा, हनुमान जी ने कहा कुछ नहीं होगा, माइक वहीं रखिए, माइक माइक मुंह के पास रखिए। अयोध्या में हनुमान जी की कृपा है, सब हो रहा है। हाँ, बिल्कुल कृपा है, और ये सब न्यूज पर ये खास कवरेज जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, वक्त इतना ही, आप सभी लोगों का, मंच पर जितने महानुभाव मौजूद है बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोगों का भी धन्यवाद इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।